छत्तीसगढ़ अपनी गोद में विभिन्न विभिन्न प्रकार की संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता समेटे हुए हैं। उनमें से एक है दंतेवाड़ा जिले में स्थित बिचेली शहर, जो अपनी गोद में NMDC बिचेली छत्तीसगढ़, जिसे आकाश नगर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बहुत ही सुंदर जगह है जो 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसे छत्तीसगढ़ का सबसे बेस्ट हिल स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की प्राकृतिक अनुभूति का आनंद वहाँ जाकर ही अनुभव किया जा सकता है। इस वीडियो में हम बिचेली के बारे में बताने वाले हैं, जो छत्तीसगढ़ का स्वर्ग जैसा है। पहाड़ों की खूबसूरती, टेढ़े मेढ़े खूबसूरत रास्ते में बैलाडेल की खदानें, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बिचेली में है, जो शग्न और कई मीटर की ऊंचाई में स्थित है। दोस्तों, इसे वर्ष 1954 के आसपास ब्रिटिश भूगोल वैज्ञानिक ने इस इलाके में जब संरक्षण किया गया था, तब इस जगह की जानकारी हुई। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में लोह ऐश पाया जाता है, जो उच्च कोटि का होता है, जिसे जापान देशों में भेजा जाता है। यहाँ आपको खूबसूरत पर्वत श्रृंखला की सुंदर नजारा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप बादलों के सैर भी करेंगे। दोस्तों, यह आकाश नगर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। गगनचुंबी पहाड़ और हर समय सुहाने रहने वाले इस नंदनीय पर्वत को पर्यटकों के लिए प्रतिवर्ष इस जगह पर विश्वकर्मा जयंती का भी आयोजन किया जाता है। दोस्तों, इस जगह पर आप कोई भी मौसम में आ सकते हैं, लेकिन अगर आप खासकर मानसून में जाए तो यह देखने को ही बनता है। हरी भरी वातावरण देखने के लिए यहाँ का सर्वोत्तम समय अगस्त से दिसंबर तक है। दोस्तों, वैसे तो आप बिचेली को आराम से घूम सकते हैं, लेकिन अगर आपको आकाश नगर, कैलाश नगर और लोह ऐश NMDC को देखना है तो आपको NMDC से ही परमिशन लेना होगा। दोस्तों, यहाँ जाने के लिए आपको बस की सुविधा मिलती है, जिसे आप बस के माध्यम से जा सकते हैं। यह दंतेवाड़ा से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो आप रायपुर से मिनी एयरपोर्ट जगदलपुर के लिए भी उड़ान भर सकते हैं। दोस्तों, इस जगह का नाम शायद आपने फर्स्ट टाइम ही सुना होगा, या अगर आपने सुने होंगे या आप गए होंगे तो आप हमें कमेंट करके यहाँ अनुभव जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। के लिए मिलते हैं ऐसी और वीडियो लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।